हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है, क्लास नाइन्थ का। ठीक है, क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग का फोर्थ पार्ट है ये लेक्चर। ठीक है, फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट हमने बना दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो लोग नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नीचे प्ले लिस्ट बॉक्स में सारे वीडियो अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर की बात मैं आपको ये फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ से हम लोग चल रहे थे। देखिए, बाई लिखा ना कि बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, बाई दो तरीके थे ऐसे कि स्टेट ऑफ मैटर को हम चेंज करते थे। स्टेट ऑफ मैटर जैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनाते थे, लिक्विड से गैस बनता था। ऐसा दो प्रोसेस होता है, टू वेज लिखा है। तो पहला था बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। बाई चेंजिंग द टेम्परेचर में हमें तीन पॉइंट पढ़ने थे। पहला मेल्टिंग पढ़ना था और मेल्टिंग में मैंने बता दिया था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, चलिए दूसरा हमें पढ़ना था बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना था। मैंने अच्छी तरीके से आपको बॉइलिंग पॉइंट पार्ट थर्ड थ्री में आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, चलिए बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको बताया था लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बताया था कि नहीं आपको? हाँ बताया था ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये चार्ट मैंने आप लोगों को कल बताया था। ठीक है, कल की क्लास जो चली थी आपकी पार्ट थ्री वाली, उसमें मैंने ये भी आपको अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है, अब उसमें पार्ट सेकंड बॉइलिंग था, तो अब पार्ट थ्री वहीं से स्टार्ट होती है क्लास हमारी सब्लिमेशन की। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं सब्लिमेशन से। व्हाट इज़ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? सपोज जैसे देखिए, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। ठीक है, कोई सॉलिड है, ठीक है, ये क्या है? सॉलिड, इसको हीट कर दीजिए आप, इसको क्या करिए? हीट करिए। सॉलिड को आप क्या करिए? हीट करेंगे। जब सॉलिड को आप हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा गैस में। ये है सॉलिड, ये क्या है? सॉलिड है, और जब आप इन्हें हीट करोगे तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा गैस में, इसी को कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और गैस को जब आप कूल करोगे ना, तो फिर वो सॉलिड बन जाएगा, ये भी प्रोसेस आपकी सब्लिमेशन ही। दो प्रोसेस आप सब्लिमेशन की, दो डिफिनेशन आपको सब्लिमेशन की याद करा दी गई है। पहला, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। ठीक है, सॉलिड जो होता है डायरेक्टली चेंज हो जाएगा वेपर में ऑन हीटिंग, ठीक है, सॉलिड चेंज इनटू वेपर, यानी कि बोल सकते हैं सॉलिड चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग। जैसे आप कपूर देखे हो, कपूर इंग्लिश में कहते हैं कैम्फर, क्या कहते हैं उसको? कैम्फर कहते हैं, कैम्फर, ठीक है, कपूर होता है। जब उसे हम जलाते हैं मंदिर में, जलाते हैं हम लोग, ठीक है, कहीं पे भी जहाँ पे पूजा करते हैं कहीं जलाते हैं जब हम लोग कपूर, ठीक है, तो आप देखो, देखे होंगे कि जैसे ही कपूर को आप हीट दोगे, होता है कपूर सॉलिड, क्या होता है? सॉलिड होता है। जैसे ही इसे आप हीट दोगे, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में, ये लिक्विड स्टेट में जाएंगे नहीं। आप उसे जब जला के देखो कपूर को, जैसे ही जलना स्टार्ट होगा वो जलता जाएगा ख़त्म होता जाएगा, वो भी गैस बन जाएगा। ठीक है, तो वही एग्जांपल है किसकी? सब्लिमेशन की। किसकी एग्जांपल है? सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन का आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? एक बताना कैम्फर बताना, दूसरा बता सकते हो अमोनियम क्लोराइड, क्या बता सकते हो? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ठीक। और अभी एक ग्राफ मैं दिखाता हूँ आपको, पहले डिफिनेशन आप एक बार लर्न कर लो अच्छे से। व्हाट इज़ सब्लिमेशन, ठीक है, देखिए, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड व्हेन वेपर इज कूलिंग। ठीक है, जब हम वेपर को कूल करेंगे, चूँकि सिर्फ यहाँ पे वाटर की ही बात नहीं हो रही है, ठीक है, सॉलिड में सिर्फ आइस की ही बात हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आइस चेंज हो जाएगा पानी में और पानी को ठंडा कर दोगे तो बन जाएगा फिर से बर्फ। सिर्फ पानी की बात नहीं है हो रही है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और वेपर में कन्वर्ट कैसे होगा? हीट करने पर, ऑन हीटिंग, इंपॉर्टेंट है बोलना, ऐसा नहीं कि बोल देना कूलिंग, गलत हो जाएगा। सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग, ठीक है, और वेपर
चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग, वेपर को जब कूल करेंगे, वेपर को जब कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक आ गया आपको, दैट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। आप इस तरीके से डिफिनेशन बता सकते हैं। एग्जांपल मैं बता दूँ आपको, एक एग्जांपल है कैम्फर और एक है अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए, अमोनियम क्लोराइड को जब चाइना डिश से कवर कर दिया जाता है, कवर्ड बाई ए टनल फनल, ठीक है, कवर्ड बाई ए फनल, ठीक है, फनल क्या होता है, देखिए मैं इसमें आपको अच्छी तरीके से उस पूरी बात को बताता हूँ। देखिए ये हमारा एक बर्नर है, दिख रहा है आपको, ये नीचे स्टैंड है, पहले तो ये देख लीजिए, स्टैंड है और नीचे बर्नर रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, बर्नर। बर्नर होता है, जो केमिस्ट्री लैब में आप जाओगे तो वहाँ पे केमिस्ट्री लैब क्या, घर पे भी बर्नर होता है, सब लोग देखे होंगे, जिसे आग जलाने के लिए केमिस्ट्री लैब में छोटा छोटा लैंप रखा होता है जिसका नाम बर्नर होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, स्प्रिट भरा जाता है, इसमें स्प्रिट लैंप होती है जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, इसमें स्प्रिट डाल देते हैं और इसे बर्न करते हैं। ठीक, बर्न करने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर एक वायर गेज रखा होता है, क्या रखा था, वायर गेज। वायर गेज कुछ इस तरीके का होता है, देखिए ऐसा, ठीक है, काफ़ी पतला रहेगा ऐसे, और कुछ इस तरीके से होता है काफ़ी, और छोटा रहेगा बॉक्स ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, चलिए ये वायर गेज कुछ इस तरीके से होता है, दिख गया आपको, देखिए बना दिया मैं वायर गेज, ऐसा ही होता है। ठीक, अब क्या करेंगे कि वायर गेज उस बर्नर के ऊपर जो स्टैंड लगा होगा उसको, उस पर हम रख देंगे, ठीक है। अब उसके ऊपर हमें चाइना डिश रखेंगे, क्या रखेंगे, चाइना डिश, चाइना डिश, ये कंटेनर का नाम है चाइना डिश, ठीक है, चाइना डिश मतलब आप कुछ और मत समझ जाइएगा, ठीक है, कि खाने वाला कुछ रख रहे हैं चाइनीज़ का, ठीक है, तो चाइना डिश का मतलब होता है कि जो कंटेनर ऊपर है इसी का नाम है चाइना डिश। अब चाइना डिश रख दिए हम लोग, चाइना डिश में डाल देंगे अमोनियम क्लोराइड और डाल देंगे साल्ट, क्या डालेंगे, अमोनियम क्लोराइड डाल देंगे और साल्ट। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, ठीक है, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड Cl का मतलब होता है क्लोरीन, Cl का मतलब होता है क्लोरीन, ठीक है, Na का मतलब होता है सोडियम और Cl का मतलब होता है क्लोरीन। ये कॉमन साल्ट है, ये क्या है, कॉमन साल्ट, जो हम खाते हैं साल्ट, हमारे घरों में जो सॉल्ट होता है, नमक हम खाते हैं ना, उसी का फॉर्मूला है ये NaCl, ठीक है, और ये है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, जो कि क्या है, ये सब्लिमेशन की एग्जांपल में यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का आप नाम लिखना चाहते हो तो ये स्पेलिंग देख के लिख लो, AmMoNiUm, अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, अमोनियम क्लोराइड का जब आपसे फार्मूला पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, बताना सर NH4Cl, NH4Cl, NH4 अमोनियम का होता है और Cl जो होता है हमारा क्लोरीन का होता है, Cl जो होता है क्लोरीन का होता है। चलिए देखिए, तो होगा क्या कि जब आप इसमें हीट करेंगे और ये हमारा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, ऊपर से देखिए ये हमने फनल लगा दिया, क्या लगा दिया, फनल, फनल लगा दिया। अब होगा क्या, अब फनल लगा देंगे और इसको जो ऊपर निकलने का, यहाँ से जो एयर होगा, ठीक है, एयर निकलता है ना यहाँ से, ओपन होता है, चूँकि ये तो क्लोज तो होता नहीं है, ओपन होता है, यहाँ से निकलेगा, वेपर निकलता चला जाएगा, तो इसी की वजह से क्या करेंगे ना कि कॉटन इसमें लगा देंगे, इसमें क्या कर देंगे, कॉटन, रुई भर देंगे, पूरा अच्छी तरीके से कम्प्लीटली रुई भर देंगे, ताकि इसमें से जब वाटर वेपर ऊपर ना जा पाए, वाटर वेपर ऊपर ना जा पाए। अब देखिए क्या होता है कि नीचे से मैंने हीट करना स्टार्ट किया, मैंने, आप लोग भी जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आपके टीचर आपको करके दिखाएंगे और फिर आपसे भी करवाएंगे, ठीक है, तो फिर ये फनल जो है इसकी जो इर्द गिर्द, ये तो जो बचा हुआ है, ये तो जब हीट होगा तो ये चला जाएगा, उड़ जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो इसके नीचे ये बचा हुआ है, देखिए इसके नीचे जो है ये, तो जब ये हीट होगा, मैंने बताया, ठीक है, मैंने सब्लिमेशन की डिफिनीशन बताया कि द सबस्टेंस, सबस्टेंस नहीं, द सॉलिड चेंज इनटू गैस, सॉलिड ऐसे लिखिए, देखिए सॉलिड चेंज इनटू गैस, ठीक है, तो ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है और ये चेंज सीधे हो रहा है किसमें, गैस में, और गैस में जब चेंज होगा तो ये ऊपर ही तो जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे निकलने का जगह होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोज कर दिया गया, कॉटन भर दिया गया और ये ऊपर जा नहीं पाएगा, ऊपर से बाहर निकल नहीं पाएगा, उसी में रहेगा, ठीक है, और कूल हो जाएगा, और जब कूल होगा तो फिर से वो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा, फिर से अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत सब्लिमेशन में, सब्लिमेशन की मैंने बहुत अच्छी से पूरा डिफिनेशन, देखिए तब से मैं सब्लिमेशन ही बता रहा हूँ, लगभग 10 मिनट हो गया, ठीक है, और मैंने सिर्फ सब्लिमेशन आपको बताया, सब्लिमेशन अच्छी तरीके से डायग्राम के साथ मैंने आपको
बता दिया, ठीक है। यानी कि इसमें मैंने दोनों बता दिया। इसको जब आप ये वाला देखिए, इधर वाला जब हीट होगा तो ये सॉलिड सीधे कन्वर्ट हो गया गैस में, ये सीधे, ये दोनों जो इधर के हैं ये सॉलिड चेंज हो गए किस में, गैस में। लेकिन ये जो बीच में था ये भी सॉलिड ही है, ठीक है। और ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन ऊपर से निकल नहीं पा रहा है, ऊपर से निकल नहीं पा रहा है, कम क्लोज्ड है। जब क्लोज्ड है ऊपर से निकल नहीं पा रहा है तो वहाँ पे कूल हो जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, कूल होगा, और कूल होने के बाद क्या होगा, फिर से अमोनियम क्लोराइड बना देगा। तो ये दोनों डिफिनेशन जो है सब्लिमेशन की ही तो थी। चलिए, वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छी वो समझ में आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। एक नया पॉइंट आ गया, यहाँ से देख लीजिए फिर से कहाँ से आ गया मैं, यही पॉइंट, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी मैटर के स्टेट को आप कैसे बदल सकते हैं। कोई भी मैटर होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, पूछा जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन आपका टीचर पूछ देगा कि बताओ बाबू कि कोई भी मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आप इसके स्टेट को कैसे बदलेंगे। तो आप सीधे खड़े होकर कहिएगा, सर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। ये दो ऐसे तरीके हैं, ये दो ऐसे मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैस में कर सकते हैं, गैस ये सारे इसी में आ जाएंगे, समझ में आया। तो दो ऐसे तरीके हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, मैटर के स्टेट को, मैटर के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। चलिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट था ए लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बी। चलो, नोट्स आप अपने कॉपी पे इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो बी है चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर। देखिए, प्रेशर का चेंज कैसा होता है, इफ़ वी कंप्रेस अ गैस सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल गैस रिड्यूस, फाइनली गैस इज लिक्विफाइड लोअरिंग टेम्परेचर। अब देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। ये देखिए, एक कंटेनर है, ठीक है, ये क्या है, एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, नीचे गैस के पार्टिकल्स, दूर दूर देख रहे हैं आप, काफ़ी दूर दूर है, काफ़ी दूर दूर पार्टिकल है, ठीक है। मैं आप यहाँ से डायग्राम बनाता हूँ, मैं देखिए ये एक कंटेनर होगा, ठीक है। इस कंटेनर में काफ़ी दूर दूर तक क्या है, गैस के पार्टिकल है। यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, क्या लगा दिया, पिस्टन। ऊपर से मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, प्रेशर। अब आप बताइएगा, जब मैं प्रेशर लगाऊँगा इस कंटेनर के ऊपर, जब मैं प्रेशर लगाऊंगा, जब मैं प्रेशर लगाऊंगा तो ये जो पार्टिकल्स होंगे पास पास आएंगे कि नहीं आएंगे, पास पास आएंगे, ऊपर से दबती हुई जाएंगी, ये सब मिट जाएगा, ठीक है। देखिए, ये सब छोटा सा बनाता हूँ मैं यहाँ पे, छोटा सा, देखिए अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पिस्टन लगा हुआ, ठीक है, ये पिस्टन है, ठीक है, छोटे छोटे काफ़ी दूर दूर पार्टिकल्स हैं। दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पे एक और बनाता हूँ मैं, ये वाला दबा के मैं यहाँ तक लेके चलाया, पिस्टन को ऊपर से दबा के लेके आया, तो ये पार्टिकल्स दोनों देखिए पास पास आ गए, ये पार्टिकल्स क्या हो गए, पास पास आ गए। यानी कि यहाँ पे तो ये गैस के पार्टिकल्स थे और यहाँ पे लिक्विड जब पास पास आ जाएंगी, काफ़ी दूर दूर थी, तो थोड़े मोड़े जब पास में आ जाएंगे तो वो लिक्विड का बिहेव करने लगेगा ना। और जब काफ़ी पास में जब आ जाएंगे, एकदम पिस्टन आप दबा दोगे और नीचे तक ला दोगे, ठीक है। जब आप पिस्टन दबा के एकदम नीचे तक ला दोगे, देखिए यहाँ तक ला दोगे, ठीक है, तो ये पूरे पार्टिकल से भर जाएगा, पूरा पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक्ड हो जाएगा, तब वो, ठीक है, क्या हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, एकदम जब पार्टिकल पास होती हैं, पार्टिकल जब एकदम दूर होती हैं तो क्या होती हैं, वो गैस होती हैं, और जब पिस्टन लगा के उसे आप दबाओगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप गैस से लिक्विड बना लिए कि नहीं, बताइए, बना लिए ना। प्रेशर को लगा के, प्रेशर लगा के आपने गैस से लिक्विड बना दिया कि नहीं बना दिया, बनाया ना आप लोग ने, ठीक है। पार्टिकल दूर दूर थे और जब उसे प्रेशर लगाया आप लोग तो वो पास आ गया, इतना दूर दूर पार्टिकल था, इतना देखिए क्या एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे, और ऊपर पिस्टन ऐसे दबाया मैं, ठीक। जब दबाया मैं तो ये क्या हुआ, बताइए क्या हुआ, कि दबाया जब मैं तो पिस्टन दबा दिया पूरा आपको यहाँ तक, ठीक है, इसको दबाया और ये पूरा पास पास एकदम आ गए, ये लिक्विफाइड हो गए, क्या होगा, लिक्विफाइड हो गए, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, चलिए तो देखिए, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टूगेदर। देखिए कह रहा है कि जब आप किसी, यहाँ पे देखिए पिस्टन था ऊपर और ये पे हाई प्रेशर जब आप लगा दोगे, पूरा दबा के लेके आ जाओगे पूरा यहाँ तक, ठीक है,
हाई प्रेशर लगा दिए, ठीक है, तो ये पूरे पार्टिकल्स जो होंगे ना पास पास हो जाएंगे, ठीक है, पास पास हो जाएंगे कि नहीं, तो वही बोल रहा है कि भाई अप्लाइंग हाई प्रेशर, जब आप हाई प्रेशर लगा दोगे जो पार्टिकल होंगे गैस के, जो गैस के यहाँ पार्टिकल थे वो एकदम क्या हो जाएंगे, डॉट क्लोज टूगेदर, एकदम पास पास हो जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे, पास पास। अब तक की कंडीशन, अब तक जो चीज़ें हम लोग पढ़ें प्रेशर में, यही तो पढ़े, यही तो हम लोग पढ़े हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में क्या पढ़े कि भाई इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर सॉरी प्रेशर में कि पार्टिकल्स गैस के काफ़ी दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, लेकिन जब उसे पिस्टन लगा के जब आप उसे दबाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, क्या करेंगे, जब ऊपर से प्रेशर लगा के लेके आएंगे, प्रेशर लगा के लाएंगे, नीचे तक लगा दिए, यहाँ तक लगा दिए, तो ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे आपको दूर दूर दिख रहे थे अब वो तो एकदम पास पास हो जाएंगे, पार्टिकल तो कम होंगे नहीं आपके, रहेंगे वही, लेकिन अब स्पेस में तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि लिक्विड का पार्टिकल तो यही होता है, थोड़ा उनके बीच में स्पेस कम होता है गैस की अपेक्षा, गैस की अपेक्षा उनके में स्पेस कम होता है, ठीक है, और सॉलिड में तो एकदम कम होता है, उसमें स्पेस ही नहीं होता, ठीक है, और गैस में काफ़ी स्पेस होता है, समझ में आया। तो फर्स्ट पॉइंट भी आ गया कि अगर आप हाई प्रेशर अप्लाई कर देते हैं उस पार्टिकल ऑफ गैस पे, अगर आप अप्लाई करोगे हाई प्रेशर, क्या करोगे, हाई प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, एकदम पास पास आ जाएंगे, एकदम पास पास आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पास पास आने का मतलब फिर वो लिक्विड का बिहेव करेंगे, यानी कि आपका हमारा मेन टारगेट यही था, स्टेट को चेंज करना, स्टेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस आप कैसे बना सकते हैं, सीधे बोलिए उसका दो मेथड है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर, ठीक है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर वाला ही हम पढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर की जो वीडियो थी वो थर्ड पार्ट में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया था, और प्रेशर का मतलब ही होता है कि ये पूरा पार्टिकल, ये पूरा कंटेनर और पिस्टन लगा के हम क्या करेंगे, इसके पार्टिकल्स को एकदम दबा के पूरा वो लेके आ जाएंगे, प्रेशर लगा के नीचे तक, तो पूरा पार्टिकल एकदम क्या हो जाएगा, एकदम पास पास हो जाएगा, समझ में आ। चलिए, सॉलिड CO2 जो होता है ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस किसे कहा जाता है पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड CO2 जो होता है क्या होता है, ड्राई आइस होता है, या ड्राई आइस पूछ जाए तो बता देंगे सॉलिड CO2, ठीक है, आपसे पूछा जाए ड्राई आइस बताइए तो आप बताएंगे सॉलिड CO2 क्या होते हैं, ड्राई आइस होते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि जो ड्राई आइस हैं यानी कि सॉलिड CO2 हैं वो चेंज हो जाएंगे सीधे गैस में, यानी कि सॉलिड CO2 डायरेक्ट क्या चेंज हो जाएंगे, गैस में, यानी कि सॉलिड से ये गैस बन जाएंगे, स्टेट बदला कि नहीं बताओ, ये सॉलिड से गैस बदलेंगे, कैसे बदल जाएंगे, देखो सॉलिड CO2 चेंज इनटू CO2 गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में बदले वो सॉलिड से गैस बन जाएंगे, बिना लिक्विड में बदले वो सॉलिड से गैस बन जाएंगे, ठीक है। व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस टू 1 atmospheric pressure, जब उसका प्रेशर, उसके प्रेशर को रिड्यूस कर दोगे, इसके प्रेशर को रिड्यूस कर दोगे, प्रेशर कम कर दोगे, मान लो ठीक है प्रेशर यहाँ तक ने तुमने लगाया था, ठीक है, पिस्टन है पूरा कंटेनर एकदम पास पास एकदम पार्टिकल एकदम सॉलिड के आपको पता ही होता है पास पास होते हैं, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, एकदम पास पास, देखिए एकदम पास पास दिख रहे हैं एकदम ऐसे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, एकदम पार्टिकल्स जो होते हैं एकदम काफ़ी पास पास होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। जब मैं ये पिस्टन को ऊपर लेके जाऊँगा, उठा के कहाँ लेके जाऊँगा, ऊपर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइन जो होगी यहाँ पे आ जाएगी, तो एक पार्टिकल यहाँ एक, इतने ही पार्टिकल होंगे ना, ऐसे दूर दूर, मतलब ऐसा बन जाएगा कंडीशन कुछ, पिस्टन को उठा के यहाँ लेके आ गया, एक पार्टिकल यहाँ ऐसे दूर, ठीक है। अब जब मैं और ऊपर लेके जाऊंगा तो और फैलेंगे, दूर दूर जाएंगे, और ऊपर ले जाऊंगा तो और फैलेंगे, और जब मैं नीचे दबा के ला दूंगा, यहाँ तक दबा के ला दूंगा पूरा इसको, ऊपर से नीचे, तो ये काफ़ी पास पास हो जाएंगे, यानी कि जब ऊपर जा रहा है तो ये नीचे तो इस समय सॉलिड में था, जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे गैस बन जा रहा है, क्या बन रहा है, गैस कैसे बन रहा है कि उसके पार्टिकल्स जो रहे हैं उनके बीच में काफ़ी स्पेस आ जा रहे हैं, तो गैस बन जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया सभी को। चलिए, दो ऐसे मेथड थे जिनमें क्या होते थे बताइए, स्टेट चेंज हो जाते थे, ठीक है, एक चार्ट बना हुआ है इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लेक्चर में बात करेंगे इवोपरेशन की, जो हमारा लास्ट पार्ट होगा इवोपरेशन का, ठीक है। चलिए, अब देखिए,
ये लिक्विड है, क्या है ये लिक्विड, लिक्विड ये इवेपोरेशन लिखा हुआ है ना, इवेपोरेशन अभी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लीजिए जब आया है तो, ठीक है। लिक्विड से गैस बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। पूछा जाएगा व्हाट इज़ इवेपोरेशन, व्हाट इज़ बार बार आता है पेपर में, टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए बाबू व्हाट इज़ इवेपोरेशन, तो आप बोलिएगा द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड चेंज इनटू गैस, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, ठीक है। लिक्विड किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है इवेपोरेशन, क्या हो रहा है इवेपोरेशन। लेकिन सब्लिमेशन का कोई बताएगा क्या हुआ, सब्लिमेशन में मैंने बताया था कि सॉलिड चेंज हो गया गैस में, सॉलिड चेंज हो जाएगा गैस में तो वो सब्लिमेशन होता था, और गैस हो जाए सॉलिड में तो भी सब्लिमेशन, ठीक है, समझ में आएगा सब। चलिए तो व्हाट इज़ लिक्विड द प्रोसेस, व्हाट इज़ इवेपोरेशन, व्हाट इज़ इवेपोरेशन द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू गैस इज नोन एज इवेपोरेशन। फिर व्हाट इज़ सब्लिमेशन, व्हाट इज़ सब्लिमेशन, तो गैस इज डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड दैट इज़ आल्सो नोन एज, दैट इज़ नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। और सब्लिमेशन की एक और डेफिनेशन है, एरो देखिए, एरो इधर से उधर जा रहा है, तो एक और डेफिनेशन है कि सॉलिड जो होता है गैस में जब चेंज हो जाए तब भी क्या होगा, सब्लिमेशन की डिफिनीशन होगी, सब्लिमेशन की डिफिनीशन होगी, ठीक है। एक देखिए मेल्टिंग, व्हाट इज़ मेल्टिंग, व्हाट इज़ मेल्टिंग, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, बर्फ जो होता है गल के पानी बन जाए, बर्फ गल के पानी बन जाए, बर्फ गल के पानी बन जाए तो वो मेल्टिंग हो जाएगी, वो मेल्टिंग कहलाएगी, क्या कहलाएगी मेल्टिंग, ठीक है। अगर लिक्विड जो होता है लिक्विड को फ्रीज कर दिया जाए, देखिए एरो फ्रीज कर दिया जाए तो वो सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड को फ्रीज कर दिया जाए, लिक्विड को फ्रीज कर दिया जाए तो वो सॉलिड बन जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। यानी कि पानी को फ्रिज में रख दोगे तो बर्फ बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग। तो बताइए व्हाट इज़ फ्रीजिंग, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग, इज नोन एज फ्रीजिंग, इज नोन एज फ्रीजिंग, ठीक है। बस आज की क्लास में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट कल की क्लास में हम बात करेंगे आपसे इवेपोरेशन के बारे में, कल की क्लास हमारी किस टॉपिक पे रहेगी, इवेपोरेशन के बारे में रहेगी, समझ में आया, ओके। अब इसमें जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है आप कमेंट बॉक्स में सीधा लिखा करिए कि सर हमें ये पॉइंट नहीं आया, फिर से बताइए इस चीज़ को, हम फिर से आपको उसका क्या बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे उस तरीके का, ऐसा बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको माइंड स्लो होता है, अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, है ना, अच्छी तरीके से उनको तीन बार चार बार पांच बार बताना पड़ता है, तो दो बार तीन बार आप वीडियो ऑलरेडी देखिए और फिर भी नहीं आता है आपको, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये लिखिए, मैं तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम कल की क्लास में आपसे बात करेंगे इवेपोरेशन की, ओके, थैंक यू, चलिए बाय।